हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहा है 10:30, और मैं जस्ट अपना वीडियो एडिट करके फ्री हुई हूँ। तो सोचा मैं व्लॉग स्टार्ट कर लूँ आप लोग के लिए। और आज डेट कितनी है याद नहीं है मुझे। हाँ, शायद 3 तारीख है, 3 तारीख है आज। तो और मेरे बालों को थोड़ा सा इग्नोर करना, मैंने लास्ट नाइट कर्ली किए थे अपने बालों को। वो व्लॉग आपके साथ मैं शेयर करूंगी इससे पहले, तो बताइएगा वो व्लॉग कैसा लगा और उसमें हम लोग कैसे लग रहे थे। तो आज मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया, जस्ट मैं एडिट किया है मैंने अपना वीडियो, और नहा धो के मैं फ्री हुई हूँ। तो मैं आज जाने वाली हूँ, मेरे जो बड़े भैया भाभी हैं उन्होंने मेरे देवा देवरानी के लिए खाने पर हमें इनवाइट किया फुल फैमिली के साथ। तो हम लोग जाएंगे और शाम का है। और मुझे अब पहले अपनी सिस्टर के यहाँ भी जाना है, मेरी बीच वाली सिस्टर है उनके यहाँ जाना, उन्होंने बुलाया, कुछ काम है तो मैं वहाँ पर भी जाऊँगी। देन मैं अपने भैया भाभी के यहाँ जाऊँगी। और फिलहाल मेरे इतने सारे पार्सल्स आ चुके हैं, इसमें मेरे PR पार्सल भी हैं, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और कुछ मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी तो वो मुझे रिसीव हो चुकी हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मेरे पेंडिंग वीडियो बहुत सारे हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल वो ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि व्लॉगिंग्स वगैरह में मैं ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे। और ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने मंगाई हैं आपके लिए, तो शेयर ज़रूर करूँगी। और मेरा PR में बहुत क्यूट पार्सल मुझे रिसीव हुआ है PR का, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो फिलहाल मैंने गाउन पहना है और नॉर्मल अपने जहाँ मैं शूट करती हूँ वहाँ बैठी हूँ, और मेरे हेयर्स अभी वैसे ही एज इट इज़ कर लिए, मैंने कॉम्बिंग नहीं की है, तो सिर्फ हेयर स्ट्रिम लगा लिया जिससे बाल उलझे ना, इसलिए अजीब दिख रहे हैं। तो क्योंकि कर्ली करो बाल तो कॉम्बिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है, तो मैंने हेयर स्ट्रिम अप्लाई किया है। जब नॉर्मल अपने तक आप पूरे स्मूथ हो जाएंगे तब मैं कॉम्बिंग करूँगी, अदरवाइज टूटने का डर रहता है बालों का। तो इस तरह से है, तो देखते हैं आज का मैं ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी जो भी होगा। जितने बजे भी जाएंगे हम लोग तो वहाँ मिलूँगी मैं आपसे, और तैयार होने के बाद आपसे मिलती। तो वीडियो चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना विद बेल आइकन, जिससे आप मेरे आने वाले वीडियो से टाइम से नोटिफाइड हो पाओगे। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आपसे। तो गाइज, मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने ये वाला सूट पहना हुआ है, सिंपल सा मैंने रेडी हुई हूँ। हल्का फुल्का फाउंडेशन लगाया है, लिपस्टिक लगाई है। तो अभी बज रहा है 5:30, और पहले मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे अपने सिस्टर के यहाँ भी जाना है, देन बाकी सब आ जाएंगे। वहीं पे अब मैं जाके आपको मिलूँगी, और आप लोग बताना मेरा ये सूट कैसा लग रहा है। तो इसे मैंने लिया था फ्लिपकार्ट से मैंने इसे लिया था, और मुझे काफ़ी टाइम हो गया इसलिए, 2 साल हो चुके हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है मुझे कप सूट। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ वहाँ, और थोड़ा बहुत कोशिश करूँगी रास्ते का शूट करने का, तो आपको दिखाती हूँ। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अब सीधे वहीं जहाँ मुझे जाना है। तो गाइज, मैंने थोड़ा बहुत क्लिप रास्ते में जाते हुए भी निकाला, और थोड़ा बहुत मार्केट आपको दिखा रही हूँ जाते जाते। तो मेरे साथ मेरी ननद और मेरे देवर जी जा रहे थे, और बाकी लोग अलग अलग अपने गाड़ियों से आ रहे थे, और हम सभी लोग गए थे। आगे आपको मैं दिखाऊंगी। तो ये है जबलपुर का छोटा मोटा मार्केट, और ये जो है सदर एरिया का है, तो काफ़ी फेमस एरिया है ये। थोड़ा बहुत ही मैंने निकाला, मैंने सोचा कि थोड़ी सी क्लिप निकाल लेती हूँ आप लोग को, शाम को मार्केट जैसा दिखता है वो सब दिखा रही थी, तो नॉर्मल सा मैंने क्लिप निकाल लिया है। तो आप लोग बताना मार्केट कैसा दिखा। फिलहाल ऐसा कुछ दिखाया नहीं है, पर दिखाया तो यहाँ पे देवर देवरानी आ गए थे, और मेरे छोटे देवर जी ने अनिका को पकड़ा था, तो भाभी ने बहुत ही अच्छे से उनको अंदर पूजा करके टीका करके अनिका को अंदर घर के अंदर बुलवाया था, क्योंकि हमारे यहाँ सब मानते हैं कि जो पैदा हुए छोटे बच्चे होते हैं अगर वो फर्स्ट टाइम आ रहे तो इसी तरह से उनकी आरती की जाती है, और नया जोड़े की भी। तो मेरी जो मदर है उन्होंने उनको जो बताया है तो वो प्रोसीजर वो करती हैं, और जो उनकी मीन्स मेरी जो मदर हैं उनकी सासू माँ जो हैं उन्होंने जो प्रोसीजर बताया तो वो नियम फॉलो करती हैं वो सभी। और मेरे देवर देवरानी को भी उन्होंने आरती करके ही घर के अंदर एंट्री दी थी, बिकॉज़ वो फर्स्ट टाइम आए थे खाने पर उनके यहाँ। तो हम लोग किचन में बैठ के मस्ती मजाक कर रहे थे सभी लोग, तो बातें कर रहे थे खाना बनाते बनाते। तो छोटी थोड़ी सी क्लिप्स निकाली है मैंने, और ये बड़ा बेटा है तो वो भी हेल्प करवा रहा था। तो यहाँ पे हम लोग मस्ती मजाक कर रहे थे, और मैंने बहुत कम क्लिप्स निकाली हैं कि बिकॉज़ बड़े भाई को वीडियोस ज़्यादा शूट करना पसंद नहीं आता है, तो
तो मैं वही दिखाती हूँ जो मुझे लगता है कि मैं दिखा सकती हूँ। यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे और पापा जी बड़े भैया से बात कर रहे थे। पापा जी ने घर नहीं देखा था तो उनको बड़े भैया ने खास इनवाइट किया था, तो वो गए थे क्योंकि वो जब से शिफ्ट हुए थे तो पापा जी ने नहीं देखा था उनका घर। तो पापा जी का भी बहुत मन था कि वो कहाँ रह रहे हैं, तो वो सब देखने के लिए वो भी आए थे साथ में। और हमारी पूरी फैमिली आई थी, सिर्फ एक देवर जी नहीं आए थे। अंबिका अपने भाई के साथ मस्ती कर रही और हम लोग सब लोग किचन में थे, जैसा कि मैंने आपको दिखा रही हूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया है मैंने, खाना आना हो गया था। देन भाभी ने ओली भरी थी प्रीति की, जो मेरा मेरी देवरानी है उसका नाम प्रीति है और रजनी नाम भी है उसका। तो टीका वगैरह करके ओली वगैरह उनकी भर रही थी और देन हम लोग का उन लोग का जाने का था। हम लोग 2 से 3 घंटे रुके थे, बहुत अच्छा लगा। सब लोग काफ़ी टाइम बाद बैठे थे एक साथ, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो सभी ने खाना पीना खा लिया था, देन उसका ये वाला प्रोसीजर किया था। आप लोग बताना ये व्लॉग आपको कैसा लगा, छोटा सा व्लॉग है और काफ़ी मज़ा आया था हम लोगों को, बहुत सारी बातें की, बहुत मस्ती मजाक किया। तो फुल फैमिली हम लोग बैठे हुए थे यहाँ पे, मेरी पूरे ससुराल वाले थे, तो हंसी मजाक चल रहा था। तो भाभी ने बहुत ही अच्छे से किया, आरती भी की, टीका भी किया। अभी मतलब जो उनके यहाँ फर्स्ट टाइम आई थी वो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बहुत अच्छे से उन चीज़ का एक एक चीज़ का ख्याल रखा है उन्होंने, तो बहुत अच्छे से किया था। तो मैं उनकी ओली भरवा रही हूँ और जो जो उनको लगता गया वो करती गई, और काफ़ी बहुत ही मीन्स बहुत अच्छा, मीन्स बहुत ही बहुत अच्छा लगा था मुझे कि बहुत खुश हुए थे देवा देवरानी मेरे, और उनको घर भी बहुत अच्छा लगा था बड़े भैया का। तो छोटा मोटा मैंने क्लिप्स निकाली है, एक ही चीज़ मैंने शेयर नहीं किया है, जैसा कि मैंने आपको बताया बड़े भैया को ज़्यादा वीडियो शूट करना पसंद नहीं है। तो मैं उनकी बहन हूँ तो मुझे पता है कि मुझे क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, क्या शेयर करना है क्या नहीं शेयर करना है, क्योंकि पर्सनल चीज़ें भी कुछ होती हैं। अगर और खाने का मैंने इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि खाना खा रहे हैं तो हम मुँह पे कैमरा लेके आ जाएं, तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। सब लोग हम लोग बैठे थे, मेरी भी चले सिस्टर भी आई थी। तो चलिए अब आपसे आगे मिलती हूँ। हे गाइस, तो आज है day 2 और आज है 4 फरवरी। जैसा कि कल आपको मैंने बताया था कि देवा देवरानी और हम मेरा पूरा परिवार मेरे बड़े भैया के यहाँ खाने पे गया था, तो गए थे। तो आने में हमको 9:30 हो गया था और उस व्लॉग को मैंने एंड नहीं किया था, तो मैं सोची उस व्लॉग को और इस व्लॉग को एक ही मैं आपको दिखा दूँ। तो अभी है हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, 11:30 बज रहा है, तो मैं फ्री हो गई थी नहा धो के 10 बजे और फुर्सत हो गया था, मेरा पूरा काम हो गया था। तो जैसे ही मैं फ्री हुई थी तो आ गए थे बधाइयाँ देने के लिए, आप लोग समझ गए होंगे किन की बात कर रही हूँ मैं। तो वो लोग आ गए थे, जब बच्चे होते हैं या शादी होती है तो वो लोग बधाई देने के लिए आते हैं, तो उन लोग आ गए थे। तो फिर उसमें आधा घंटा मेरा चला गया, तो थोड़ा बहुत क्लिप मैंने निकाला है उन लोगों के नाच गाने के, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो लोग आते हैं, उनका आशीर्वाद मिलना बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम उन्हें खुश करते हैं तो वो भी हमें दुआएं देके जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि मुझे अभी तक वो आए नहीं थे, काफ़ी लेट आए हैं। और अंबिका के टाइम पे तो वो दूसरे दिन ही आ गए थे, अनिका के टाइम पे बहुत लेट आए हैं, लेकिन हम लोग वेट कर रहे थे कब आएंगे, तो आज आके वो चले गए। नाच गाना हुआ काफ़ी और अनिका को लेके भी उन्होंने नाच गाना किया, तो मैंने थोड़ी बहुत क्लिप्स निकाली हैं तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी अभी इसके बाद, तो आप लोग बताना। बहुत अच्छा लगता है मुझे, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता लेकिन मुझे उनका आना अच्छा लगता है, और वो बहुत अच्छे से बात करते हैं, उन लोगों के बात करने का तरीका मुझे अच्छा लगता है। तो चलो आप लोग देख लीजिए, और अभी मैं मुझे जाना है 1:30 बजे अंबिका को छोड़ने स्कूल, क्योंकि कल मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक से नहीं लग रही थी। तो चलिए आप लोग देख लीजिए मैंने क्लिप जो निकाला है उन लोगों का नाच गाने का, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। Thank you.
तो आप लोगों को कैसा लगा उनका नाच गाना? आप लोगों के यहाँ ये सब होता है कि नहीं, और आप लोग के यहाँ किस तरह से होता है, आते हैं कि नहीं आते हैं आप लोगों के घर में ये लोग, वो बताना मुझे। और बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि दुआएं मिलती हैं। तो ये व्लॉग मैं अब यही एंड कर रही हूँ। मैंने कल का और आज का मैंने थोड़ा सा आपके साथ शेयर किया, ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं करूँगी, ज़्यादा लेंदी व्लॉग नहीं करूँगी, नहीं तो आप लोग बोर हो जाओगे। और अनिका के चौक का व्लॉग आप लोग को कैसा लगा, आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा वो बताइएगा। हम लोगों ने भी बहुत डांस मस्ती की थी। तो अभी मेरे ये पार्सल्स रखे हैं, मुझे आप लोग के साथ शेयर करना है, टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी मैंने क्या मंगाया है, और मेरा PR भी मुझे रिसीव हुआ, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, बहुत अच्छा PR मिला है। मेकअप में मुझे लिपस्टिक बहुत पसंद है, तो मैं अलग अलग वैरायटीज़ की लिपस्टिक कलेक्ट करने का अभी मेरा चालू है कि मैं अलग अलग टाइप की लिपस्टिक अपने पास रखूं, तो आपको दिखाऊंगी जैसा भी रहेगा। अभी न्यू लिपस्टिक का कलेक्शन मैंने फिर से मंगाया है और मिला भी है मुझे, तो मैं आपको दिखाऊंगी जल्द से जल्द। तो इस व्लॉग को मैं यही एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, आज का और कल का। और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकन, जिससे आप मेरे आने वाले वीडियो से टाइम से नोटिफाइड हो पाओगे। और वीडियो को फुल वॉच किया तो थैंक यू सो मच। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय गाइज़।